प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मविश्वास पैदा करना जरूरी है, जो उनकी शिक्षा, ज्ञान और कौशल से सीधे जुड़ा होता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस महत्वपूर्ण सोच के साथ विकसित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आज का ये मंथन ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपने व्यक्तिगत, बौद्धिक, औद्योगिक स्वभाव और टैलेंट को दिशा देने वाले पूरे इकोसिस्टम में परिवर्तन करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आज का ये मंथन ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपने पर्सनल, इंटेलेक्चुअल, इंडस्ट्रियल टेम्परामेंट और टैलेंट को दिशा देने वाले पूरे इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में स्टार्टअप के लिए हैकथॉन की एक नई परंपरा है। ये युवाओं के साथ साथ उद्योग को भी मजबूत करेगा। नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन के तहत 3500 से अधिक स्टार्टअप का पोषण किया गया है। ज्ञान और शोध को कंट्रोल में रखना राष्ट्र के साथ अन्याय है। इस मानसिकता के साथ हम अपने युवाओं के लिए कृषि, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और DRDO जैसे कई क्षेत्रों को खोल रहे हैं। नॉलेज को, रिसर्च को सीमित रखना देश के सामर्थ्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसी सोच के साथ स्पेस हो, एटॉमिक एनर्जी हो, DRDO हो, एग्रीकल्चर हो, ऐसे अनेक सेक्टर्स के दरवाजे अपने प्रतिभाशाली युवाओं के लिए खोले जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि साल के बजट में हमने संस्थागत निर्माण और पहुंच पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारत में पहली बार हम 50,000 करोड़ रुपए की लागत से एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विकसित करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई रिसर्च में जो साथी लगे हैं, देश को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। पीएम मोदी ने इंडस्ट्री के साथ तमाम साथियों से आग्रह किया कि वो इसमें अपनी भागीदारी को और बढ़ाएं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च में जो साथी लगे हैं, देश को बहुत उनसे उम्मीदें हैं। मेरा इंडस्ट्री के तमाम साथियों से आग्रह है कि इसमें अपनी भागीदारी को बढ़ाएं। पीएम मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में शिक्षा को रोजगार और उद्यमशीलता की क्षमता से जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, ये बजट उनको और विस्तार देता है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि हम वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत टॉप 3 देशों में आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज़।